हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपके लिए हमेशा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल और सॉफ्टवेयर टूल से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए, मैं आज एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ सॉफ्टवेयर के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वन प्लस का एक फ़ोन है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। वन प्लस इसका मॉडल है, मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ, 6T इसका मॉडल है फ्रेंड्स, 6T। और मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, A6010 इसमें मॉडल लिखा हुआ है, बट इसको मॉडल है 6T। और इसमें पैटर्न लगा हुआ है, यूज़र इसका पैटर्न भूल चुका है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसको सिंपल तरीके से हम इसके पैटर्न को रिमूव करेंगे। मैं यहाँ पे पैटर्न रिमूव करने की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कि पैटर्न को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें FRP लगती है कि नहीं लगती है। तो अगर इसमें फ्रेंड्स FRP लगती है तो FRP की भी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे इसका पैटर्न रिमूव करना। जब पैटर्न रिमूव हो जाएगा, अगर यूज़र ने इसमें जीमेल लगाया होगा तो इसमें FRP भी लग सकता है। अगर यूज़र ने इसमें जीमेल गूगल अकाउंट नहीं लगाया होगा तो इसमें FRP नहीं लगेगा, इसलिए ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहें, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसमें अगर गूगल अकाउंट लगा था या कुछ भी लगा था तो बहुत ही इजीली तरीके से अनलॉक हो चुका है। आपके सामने ही दिखाया फ्रेंड्स कि FRP, चाहे इसमें पैटर्न लगा हो चाहे इसमें कुछ भी लगा हो, बहुत ही इजीली तरीके से रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा, तो इसको हम हार्ड रिसेट करेंगे फ्रेंड। तो बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं इसको हार्ड रिसेट करने वाला हूँ और हार्ड रिसेट करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, और हमारा देखते हैं पैटर्न इजिली तरीके से रिमूव होता है कि नहीं फ्रेंड। तो चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यूम डाउन और इसका पावर की, यहाँ पे है इसकी पावर की फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसकी पावर की है और इसके साइड में है फ्रेंड्स वैल्यूम डाउन। तो वैल्यूम डाउन और पावर की को आपको एक साथ प्रेस करना है। उसके लिए आपको फ़ोन को प्रॉपरली तरीके से ऑफ़ कर लेना है, जैसा कि मैं फ्रेंड्स ऑफ़ कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे साइड में भी रख देता हूँ फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूम डाउन और पावर की को एक साथ प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे मैंने फ़ोन प्रॉपर ऑफ जो हो चुका है। अब सिंपली आपको वैल्यूम डाउन और होम बटन को प्रेस करना है। वैल्यूम डाउन और पावर की को आप एक साथ प्रेस करेंगे। तो मैंने वैल्यूम डाउन और पावर की को एक साथ प्रेस किया है। अब यहाँ पे आप पावर बटन को छोड़ देंगे फ्रेंड्स और वैल्यूम डाउन को दबा करके रखेंगे, तो ये रिकवरी मोड पे जाएगा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये पैटर्न बन के आ गया। तो आपको टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पैटर्न बन के आ गया। अब इसमें रॉन्ग पैटर्न है तो पैटर्न हमें पता ही नहीं है, तो होगा नहीं, डिटेक्ट नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, नहीं हुआ, ये डिटेक्ट कर रहा है, नहीं होगा, मतलब ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पे पैटर्न हमारा सही होता तो बहुत ही इजीली तरीके से हो जाता फ्रेंड। तो आप नीचे बटन यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड, फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है, फॉरगेट पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि यस या नो, सारे हमारे डाटा जो है, म्यूजिक, पिक्स, ETC, जितने भी डाटा है वो हमारे डिलीट हो जाएगा, एरेस हो जाएगा, तो एवरीथिंग। तो हमें इसे ओके कर देना है। तो जैसे हम ओके कर देंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने लाइव ही दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाइप डाटा प्लीज वेट कर चल रहा है, डू नॉट रिमूव बैटरी रन ऑफ योर फोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वाइप डाटा का प्रोसेस हो रहा है। तो सिंपली ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड हमारा ये फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है, ये वाइप। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये पैटर्न अनलॉक होता है कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये फ़ोन हमारा फॉर्मेटिंग में हो रहा है, ये हमारा फॉर्मेट हो रहा है फ़ोन, और इजीली तरीके से वन प्लस का ही फ़ोन है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये वन प्लस का ही फ़ोन है जो कि आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़, और भी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं इसकी FRP की भी वीडियो, अगर इसमें FRP लगती है फ्रेंड्स तो मैं इसकी FRP की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। अगर इसमें, आज मेरा केवल वीडियो का मोटिव था दिखाना इसके पैटर्न को रिमूव करना, कि आप हार्ड रिसेट से इसके पैटर्न रिमूव होते हैं कि नहीं। तो इसके पैटर्न तो रिमूव हो जाएंगे, बट इसमें कंडीशन हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर इसमें
अगर इसमें फ्रेंड्स गूगल अकाउंट लगा होगा तो ये FRP पे रुक जाएगा, और अगर इसमें गूगल अकाउंट नहीं लगा होगा तो ये इजीली तरीके से अनलॉक हो जाएगा और खुल जाएगा। तो इसमें बूट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, बूटिंग में थोड़ी सी टाइम लगेगी और बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, उसके बाद में जैसे ही हो जाता है मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा ऑलरेडी बहुत ही इजीली तरीके से फॉर्मेटिंग हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर बिल्कुल भी करना ना भूलें। तो फ्रेंड देखते हैं इसमें FRP लगा है कि नहीं लगा है। तो मैं इसके सारे सेटअप को यहाँ पे आपको चालू करके दिखाता हूँ कि अगर इसमें गूगल अकाउंट लगा होगा तो ये FRP पे रुक जाएगा, नहीं तो ये इजिली अनलॉक हो जाएगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे IM कर देंगे और यहाँ पे भी कर देंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी आपसे पूछा जा रहा है तो सारे इसको एग्री कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सेटअप का ऑप्शन आ रहा है ऑफलाइन, तो आप सेटअप ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे नहीं तो ये आपका गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन मांगने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया है, और यहाँ पे फिर करेंगे एक्सेप्ट करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फिंगर लगाना है कि नहीं लगाना है। तो हमें कोई भी फिंगर इसमें नहीं लगाना है तो हम स्किप कर देंगे वीडियो को। कोई पासवर्ड पूछ रहा है तो हम यहाँ पे भी पासवर्ड को स्किप कर देंगे, स्किप एनीवेज कर देंगे। तो ये आगे का प्रोसेस आपके सामने ही चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे साइड और बैक के ऑप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिंपली स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब ये आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से राइट और लेफ्ट करके यहाँ पे इजीली तरीके से स्वाइप करके इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इसको फंक्शंस को यूज़ करते, वो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो बस। तो डन हो चुका है, अब देखते हैं अगर इसमें FRP लगा होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी अगर इसमें FRP भी लगा हो या कुछ भी लगा हो फ्रेंड, तो आई होप। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें अगर गूगल अकाउंट लगा था या कुछ भी लगा था तो बहुत ही इजीली तरीके से अनलॉक हो चुका है। आपके सामने ही देखा है फ्रेंड्स कि FRP चाहे इसमें पैटर्न लगा हो चाहे इसमें कुछ भी लगा हो, बहुत ही इजीली तरीके से रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी FRP या पैटर्न कुछ भी नहीं लगा हुआ है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पैटर्न था बहुत ही इजीली तरीके से अनलॉक हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें फ्रेंड्स पैटर्न लगे थे यूज़र्स के, बहुत ही इजीली तरीके से पैटर्न अनलॉक हो चुका है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई होप अब जब इन फ्यूचर इनके FRP की भी आएगी तो इसकी FRP की वीडियो हम बहुत ही जल्द देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, और ये इजिली हमारे ये वही फ़ोन है, हमने कोई भी स्किप नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारा यही फ़ोन है, मैंने इसकी बहुत ही ईजली तरीके से अनलॉकिंग हो चुकी है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी पसंद आई हो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Promise that you'll never be lonely.